यह है दोस्तों लाल कुआं गाजियाबाद की तस्वीरें। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और आज मैं आप लोगों को दिखाने वा रहा हूँ लाल कुआं टू बुलंदशहर एंड अलीगढ़ हाईवे। देखो यहाँ पर जाम जुम कितना रहता है। और ये जा रहा है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। यहाँ साफ सफाई चल रही है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो कुछ ऐसा है। देखो लाल कुआं गाजियाबाद दोस्तों, देखो ये पुलिस चौकी है यहाँ पर और ये चला जाता है बुलंदशहर अलीगढ़ एटा होते हुए सीधा ये निकलेगा जाकर नखलव के लिए। तो ये यहाँ का नज़ारा है दोस्तों और आगे दिखाएंगे चल के हाँ आप सभी को कि ये NH51 में कितना बन के कम्प्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आपको आप सभी को आगे का सीन दोस्तों के क्या है और क्या चल रहा है वर्क। चलते हैं यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों दादरी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है दोस्तों। दादरी तस्वीरें देख सकते हो, ये इस बिल्कुल सीधा दादरी के लिए चला जाता है। यहाँ से ये NH91 स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पर ये फ्लाईओवर बड़ा हुआ है टूटा हुआ जो कि नहीं बना है, बस इसका अंडर पास है दादरी में जाने के लिए दोस्तों। यहाँ से ये बाईपास आ जाता है दादरी का दोस्तों, आगे जाकर निकलेगा। देखो आप लोग ये रेलिंग पेलिंग ये लगाई गई है, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन ये किया गया है दोस्तों। हाईवे को 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट ये किया गया है दोस्तों और आप लोगों को आगे आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पहले ये 4 लेन का हाईवे हुआ करता था, अब इसमें 1 लेन और बढ़ा दिया दोस्तों और लास्ट में जहाँ जहाँ शहर पड़ते हैं वहाँ वहाँ इन्होंने 1 लेन और बढ़ा दिया दोस्तों, यानी कि लोकल रोड दोस्तों।
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ ये है। और देखो यहाँ तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड हमारे NCR का पूरा पेरिफेरल गोल चक्कर बनाया गया है। हाईवे है दोस्तों, एक्सप्रेसवे 4 लेन का, तो 4 लेन ईस्ट साइड यानी कि 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है दोस्तों। भविष्य में इसको 12 लेन का किया जा सकता है। तस्वीर आप लोग किस तरीके से हैं आप लोग देख सकते हो। मैंने सोचा कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा इस रूट के, तो इस एक्सप्रेसवे के, तो इसी वजह से मुझे ये अपडेट लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के बीच में। देख सकते हो यहाँ पर ये बीच में काम चल रहा है, 1 लेन को और बढ़ाया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ, देखो यहाँ पर 1 लेन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि देखो मिट्टी की लेयर, देखो ये मिट्टी की लेयर है, इसकी ढलाई की जा रही है, फिर इसमें कंक्रीट डाली जाएगी, फिर इसमें और मोटी कंक्रीट डाली जाएगी, जब इसके बाद में ब्लैक टॉप किया जाएगा लास्ट में दोस्तों। और इधर तो आप लोगों को देख सकते हो लैंड मार्किंग भी हो चुकी है रोड में, और स्ट्रीट लाइट वे भी लग चुकी हैं दोस्तों। और बीच का जो मीडियन मेटल का जो क्रैश बैरियर होता है दोस्तों, वो भी एक्सचेंज किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आ जाता है दोस्तों टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों हम बढ़ेंगे कहाँ के लिए, बुलंदशहर के लिए। और बुलंदशहर में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि वहाँ पर भी क्या कुछ काम किया जा रहा है या कंप्लीट हो चुका है, और करना है तो क्या क्या करना है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, और देखने के लिए भी मिलेगा। बस आप सभी एंड तक बने रहो इस वीडियो के, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा ये कंप्लीट हो गया है या अभी होने वाला है दोस्तों। तो कितना टाइम लग सकता है, कितना नहीं लग सकता है, वो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। टोटल ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अलीगढ़ तक बनी हुई है, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो दोस्तों। Thank you.
देख रहे हो दोस्तों क्या फर्राटेदार हाईवे बनाया गया है दोस्तों। और अभी इस पर फिनिशिंग का काम भी चल रहा है, कहीं 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 अभी रोड बनाए जा रहे हैं और कहीं कहीं इस पर लैंड मार्किंग का काम किया जा रहा है, कहीं कहीं इस पर साइड के बैरियर भी लगाए जा रहे हैं दोस्तों। ग्रिल जो साइडों में ग्रिल लगी हुई है और बीच में ग्रिल लगी हुई है वो भी लगाई जा रही हैं। तो यही काम चल रहा है दोस्तों अलीगढ़ तक। आप लोगों को बता दूं गाजियाबाद के लाल कुआं से लेकर और अलीगढ़ तक इसमें यही काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, देखो आप लोग तस्वीर है। और आप लोगों को मजाक लग रहा है, ऐसा नहीं है, देखो आप लोगों के आँखों के सामने ही है दोस्तों। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखते आ रहे हो प्यारे दोस्तों किस तरीके से इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया गया है दोस्तों, रिकंस्ट्रक्ट और 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है। देख सकते हो आप लोगों की गाड़ियां फर्राटा भरती हैं। पहले कभी इसमें गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे दोस्तों, और आज देखो 6 लेन एक्सप्रेस वे बन चुका है आपके आँखों के सामने दोस्तों। जो पहले इस पर गुजरता थे उन्हें पता होगी कि इसमें कितने गहरे गहरे गड्ढे थे दोस्तों, जो कि एटा अलीगढ़ और इधर ये तुम्हारा मैनपुरी कन्नौज कानपुर जाने वाले वाहन थे, उनसे पूछो ज़रा कि पहले इस रोड के क्या हालात हुआ करते थे दोस्तों। और अब देखो 6 लेन एक्सप्रेसवे बन चुका है दोस्तों, काम भी चल रहा है एकदम नॉन स्टॉप, कहीं आपको नहीं रुकना है दोस्तों। कानपुर तक ऐसा ही हाईवे ये बनाया गया है दोस्तों। Thank you.
तो दोस्तों आप सभी ने पीछे देखा होगा कि किस तरीके से हाईवे का निर्माण किया गया है दोस्तों, 4 लेन से 6 लेन में बनाया गया है दोस्तों। ये है अलीगढ़ बाईपास, यहाँ पर देखो ये इतनी सारी भीड़ जमा है, ये अलीगढ़ बाईपास की है दोस्तों, जो कि कुछ लालकुआ जाएंगे, कुछ इधर एटा की साइड में जाएंगे, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, इधर जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग बताना मुझे कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आप सभी से इंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों।